तो देखो, जब भी हम फ्री फायर या फिर पबजी जैसे गेम को खेलते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो इतने फटाफट हेडशॉट मारते हैं कि हमारा तो भाई फायर बटन भी टैप नहीं होता, उतने में तो वो हमारी टोपी उड़ा देते हैं। तो उनके इस तरह के गेम प्ले को देखकर हम भी यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं बेस्ट प्रो सेटिंग फॉर BGMI या फिर फ्री फायर, और किसी अच्छे बच्चे की तरह वो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे हम कंट्रोल, सेंसिटिविटी, कस्टम हब, डिस्प्ले सेटिंग सब कुछ कॉपी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें तो एक एक किल के लिए वैसे ही जंग लड़नी पड़ती है। तो देखो, गेम के अंदर जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स वगैरह हैं वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपके फोन के अंदर भी कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली ऑन करना पड़ेगा अगर आपको एक स्मूथ हाई क्वालिटी गेम प्ले का मजा लेना है जिसमें कोई भी लैग वगैरह या फिर हीट प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, आपके पास चाहे कोई भी फोन हो, चाहे वो लो एंड डिवाइस हो, मिड रेंज वाला हो या फिर कोई अच्छे से अच्छा सैमसंग अल्ट्रा या फिर आईफोन वगैरह ही क्यों ना हो, ये वाले सीक्रेट सेटिंग्स आपको हर एक फोन में मिल जाएंगे जो आपके फोन की गेम प्ले पावर को 10 गुना तक बढ़ा देंगे और आपको फिर से एक एक किल के लिए जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। मेरा मतलब है कि 1-1 टेप में ही आप सामने वाले को पेल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नंबर 1 सेटिंग को, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे। तो देखो, हमारी सबसे पहले वाली सेटिंग को करने से पहले हमें हमारे फोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। जैसे आप फायर बटन पे क्लिक करते हो फिर भी सामने वाला आपसे नहीं मरता। अबे साले। अब देखो, डेवलपर ऑप्शन को तो आप ऑन कर लोगे, लेकिन उसे ढूंढोगे कैसे? तो उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे ही नीचे आपको अबाउट फोन का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पे क्लिक करना है और जस्ट सामने आपको बिल्ड नंबर भी दिख जाएगा, उस पे आपको 7-8 बार खुजली करनी है, क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके फोन का डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही ये इनेबल होता है आपको अबाउट फोन से बैक आ जाना है और उसके जस्ट ऊपर ही आपको सिस्टम वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पे भी आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको डेवलपर वाला आइकन और नेम दोनों मिल जाएंगे, उस पे आपको जाना है और फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पर आपको GPU वाले सेक्शन में 4xMSAA का ऑप्शन दिखेगा। क्या ऑन कर भी दिया? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब इससे होगा क्या? इससे आपका फोन 4 गुना बेटर परफॉर्म करेगा गेम खेलते वक्त, एंड आपका गेम और भी ज्यादा स्मूथ चलेगा, बिल्कुल मक्खन की तरह है। अब अगर आपने पहले वाली सेटिंग को अच्छे से देख लिया है तो आपने अपना 30% काम पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपने यह वाला पॉइंट मिस कर दिया तो फिर पहले वाली सेटिंग आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो वाली सेटिंग तो भाई तुम्हारे फोन को फास्ट कर देगी, लेकिन अगर तुम्हारे फोन का ग्राफिक सेटिंग ही गलत है तो फिर चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, जितना चाहे उतना पापड़ बेल लो, तुम्हारा फोन लैग करेगा ही करेगा। अब देखो, अगर तुम्हारा फोन वाकई में काफी ज्यादा लो एंड फोन है तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें अपने गेम के एडवांस ग्राफिक्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा एक गेम प्ले के लिए। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ पर जो ग्राफिक सेटिंग्स है उसे स्मूथ कर देना है। बट अगर तुम्हारा फोन थोड़ा सा मिड रेंज वाला है तो फिर तुम स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के साथ भी जा सकते हो, लेकिन स्पेशली मैं तो आपको स्मूथ ग्राफिक्स ही रिकमेंड करूंगा। अब उसके बाद में आपको नीचे हाई FPS का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जिसमें आपके सामने 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, इनहेंस्ड एंड हाई। उसमें आपको हाई FPS को सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपके गेम के फ्रेम्स पर सेकंड्स बढ़ जाएंगे एंड आपका गेम और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा विथ नो लैग, क्योंकि आपने गेम के ग्राफिक्स को तो कम कर ही दिया है एंड गेम के FPS को भी बढ़ा दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट स्टेप्स की ओर, जिसके लिए तुम्हें फिर से अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है और नीचे स्क्रॉल करके एप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड वहाँ पर जाकर अपने फ्री फायर गेम को ढूंढना है। वैसे तुम चाहो तो सीधे सर्च करके भी इसे ढूंढ सकते हो। ठीक है समरिया। ठीक है, इसके बाद में तुम्हें फ्री फायर पे क्लिक करना है एंड उसमें तुम्हें स्टोरेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन में फिर से तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला है क्लियर स्टोरेज और दूसरा है क्लियर कैच। क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन को तो तुम्हें छूना भी नहीं है, क्योंकि क्लियर स्टोरेज करने से तुम्हारे फ्री फायर का पूरा डाटा डिलीट हो सकता है और तुम्हें फिर से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा और अगर मम्मी पापा का फोन है तो फिर तुम्हें।
तो अब तुम्हारे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन बचा है और वो है क्लियर कैच, यानी कि तुम्हें अपने गेम को क्लियर कैच करना है। अब तुम सोच रहे होगे इससे क्या फायदा होगा, तो इससे फायदा ये है कि जब तुम अपने गेम को काफी दिनों तक खेलते रहते हो तो तुम्हारे गेम के अंदर कुछ टेम्परेरी फाइल्स अपने आप सेव होती रहती है, जिससे तुम्हारे गेम प्ले से तो कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको कैचे फाइल्स को क्लीन करते रहना है, जिससे तुम्हारे लेगी गेम प्ले में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड वाकई में तुम्हारा गेम एकदम स्मूथ चलेगा और तुम आराम से अपने गेम को एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज यही थी कुछ प्रैक्टिकल चीजें जिनसे तुम्हारे फोन का लेग प्रॉब्लम कुछ हद तक तो कम हो ही जाएगा। लेकिन देखो यार वही बात है, अगर तुम एक लो एंड डिवाइस को यूज कर रहे हो जिसका रैम एंड प्रोसेसर उस गेम के लिए कैपेबल है ही नहीं, तो थोड़ा बहुत तो लेग करेगा ही। मैं ये नहीं कह सकता कि इन स्टेप्स के बाद लेग एकदम से खत्म हो जाएगा, ये चीज तो एकदम इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो भाई लोग गेमिंग के लिए महंगे फोन खरीदते ही क्यों। बट मैंने जो इस वीडियो में स्टेप्स बताए हैं उनसे मैं एक चीज गारंटी से कह सकता हूं, इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो पहले वाले गेम से तो आपका गेम अब काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।